कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एग्रोमीटरोलॉजिस्ट मौसम विभाग के डॉक्टर सुनील पांडे ने कहा कि उत्तर पश्चिमी थार मरुस्थल राजस्थान से गर्म हवाओं के आने से अभी पूरे हफ्ते मौसम गर्म रहेगा और गर्म लू की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में इस पूरे हफ्ते गर्म हवाओं का रहेगा प्रकोप, वहीं तापमान भी 42 से 44 डिग्री तक बना रहेगा। प्रदेश में कुछ दिनों तक अभी बारिश की संभावना नहीं बन रही है। किसानों को सलाह देते हुए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि मक्के सहित अन्य सब्जियों आदि की फसलों को गर्म हवाओं और लू के प्रकोप से बचाने के लिए किसानों को रात और शाम के समय पानी लगाना चाहिए। वहीं दिन में अगर पानी भरा रह जाता है तो सुबह 9 बजे के बाद निकाल देना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी में पानी भरा रहने से फसलों को नुकसान होने की संभावना रहती है। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में अभी इस पूरे हफ्ते में इसी तरह से उत्तर पश्चिमी जो थार मरुस्थल और राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं उनकी यही स्थिति बनी रहेगी और तापमान 42 से 44 तक बने रहेंगे। इस स्थिति में किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी फसलों में, चाहे उनकी मक्का की फसल जो कट रही है, इसके बाद जो भी फसलें उनकी हैं, सब्जियां हैं, उनमें रात में और शाम के समय पानी लगाएं, और दिन में अगर पानी भरा रह जाता है तो उसको सुबह 8-9 बजे के बाद निकाल दें, क्योंकि अगर उनमें दिन में पानी भरा रहेगा इतनी गर्मी में तो फसलों को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है। और किसानों को और श्रमिकों को, जनमानस को सलाह दी जाती है कि वो घर से निकले तो पानी लेकर निकले, पानी पीकर निकले, और इसके साथ छाता, सूती कपड़े और अंगोछे टोपी का प्रयोग भी करें।